मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी गौर किया है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के साथ होने पर आपको अच्छा लगता है और क्यों कुछ लोगों से आप दूर ही रहना चाहते हैं, दूर ही रहना पसंद करते हैं। कारण बहुत साधारण सा है। जब आप खुश मिजाज शांत स्वभाव के लोगों से मिलते हैं तो ऐसे लोगों के पास बैठने पर, उनके साथ रहने पर आपको भी खुशी व शांति का एहसास होता है। और जो लोग दुखी रहते हैं, हर समय दुखड़ा रोते रहते हैं, अशांत रहते हैं, अशांत मन के होते हैं, वे अपने आसपास अशांत माहौल को जन्म देते हैं। और ऐसे लोगों के पास शायद आप बेहद मजबूरी में ही बैठना पसंद करते होंगे और उनसे दूर रहना ही आप पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा उन लोगों के पास जन्म लेने वाली नेगेटिव व पॉजिटिव वाइब्रेशन वेव्स के कारण होता है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि हमारे आसपास की वेव्स हमें सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करती है। एक खुश मिजाज खुश व्यक्ति स्वयं अकेला ही खुश नहीं रहता है, वह अपने आसपास में भी खुशी का माहौल बना देता है। और इसी प्रकार एक अशांत क्रोधित व्यक्ति स्वयं परेशान नहीं होता है, बल्कि उसकी नेगेटिव वेव से आसपास के सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और इन बातों का हमारे जीवन में मिला जुला संचयी प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, इसी प्रकार हमारी सोच भी हमें पूरा पूरा प्रभावित करती है। वेव्स की तरह ही सोच भी नकारात्मक व सकारात्मक हो सकती है। यह हमारे देखने के नज़रिए को बदल देती है। चीज़ें वही होती है, मगर हम जैसी सोच रखते हैं वह हमें वैसी ही दिखाई देने लगती है। चलिए आपको सकारात्मक सोच के जादू को बताते हैं और इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही सिद्ध संत ऋषि, जो भी आप कहें, उनके दो शिष्य थे और इनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच रखता था। वह हमेशा लोगों की भलाई सोचता था, खुश रहता था, मस्त रहता था और किसी का बुरा तो उसे सोचना भी नहीं आता था। और इसके विपरीत दूसरा शिष्य बड़ा ही नकारात्मक सोच रखने वाला और क्रोधी व अशांत मन का था, अशांत स्वभाव का था। एक दिन उन महात्मा जी ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची और उन्हें अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। आगे आगे महात्मा जी और पीछे पीछे दोनों शिष्य चले जा रहे थे। चलते चलते वह ऋषि अचानक एक आम के पेड़ के नीचे रुक गए और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे व पक्के, खट्टे व मीठे आम लगे हुए थे, लटक रहे थे। तो ऋषि ने शिष्यों की ओर देखा और उन्हें हाथ से इशारा करते हुए कहा, देखो इस पेड़ को ध्यान से देखो। और फिर पहले शिष्य से उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये पेड़ बहुत ही विनम्र है, बहुत ही दयालु है। लोग इसे पत्थर मारते हैं, फिर भी यह बिना किसी से शिकायत रखे, बिना किसी से कुछ कहे फल देता है। इंसान को भी इसी तरह का होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही परेशानी आए, संकट आए, मगर विनम्रता व त्याग की भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। महात्मा जी ने दूसरे शिष्य से भी वही प्रश्न किया, बताओ तुम्हें इस पेड़ पर क्या नजर आता है। नकारात्मक सोच रखने वाले शिष्य ने क्रोधित होकर जवाब दिया, गुरुदेव, यह पेड़ बड़ा ही धूर्त है, कपटी है, यह बिना पत्थर मारे किसी को भी फल नहीं देता है। यदि आपको इस पेड़ से फल लेना है तो इसे पत्थर मारना ही पड़ेगा। और मनुष्य को भी अपने मतलब की चीजें दूसरों से छीन लेनी चाहिए, बिगर छीने आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, यह है सकारात्मक सोच का जादू। नकारात्मक सोच के व्यक्ति सदैव दूसरों में बुराई ही ढूंढते हैं और अच्छाई उन्हें नजर ही नहीं आती है। जैसे गुलाब के फूलों को कांटों से घिरा देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की इतनी खूबसूरती का क्या फायदा, इतना सुंदर होने पर भी यह कांटों से घिरा हुआ है। और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उसी स्थिति में बोलेगा, वाह, देखो प्रकृति का चमत्कार, इतने कांटों के बीच भी कितना प्यारा व सुंदर फूल खिला है। तो दोस्तों, सोच को पॉजिटिव रखिए, यह आपको संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करेगी, पॉजिटिव वेव्स आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए और अपने आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करिए, क्योंकि जैसी आप सोच रखेंगे वैसी ही एनर्जी आपको अपने में महसूस होगी और आप ऐसी ही एनर्जी अपने घर में प्रवाहित करेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।